गबन से संबंधित 6 साल पुराने मामले में दुमका जिले के वर्तमान में पूर्वी हिजला वन क्षेत्र पदाधिकारी बाबूनंद प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खबर है कि उन पर लगभग 20 लाख रुपए के गबन का आरोप है। यह मामला तब का है जब श्री प्रसाद कनीय पद में थे। 4 महीने पहले ही प्रसाद पदोन्नति के उपरांत दुमका में पूर्वी हिजला वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए गए थे। 60 साल के बाद बाबूनंद प्रसाद सेनानिवृत्त होने वाले हैं। वे मूल रूप से गहलापुर कंध पकड़ सिवान बिहार के रहने वाले हैं। डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है, हालांकि पुलिस ने कैमरे के सामने बताने से इनकार किया है। इधर रेंजर बाबूनंद प्रसाद काफी बीमार हैं। उनकी दोनों किडनी खराब रहने के कारण आईसीयू फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। रेंजर ने बताया कि एक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है। आप पर आरोप है कि जो आपके ऊपर 20 लाख रुपए का गबन का मामला था 2017 में, क्या ये सही बात है? गलत आरोप है। किस क्या चीज के था ये 20 लाख रुपए? काम कराया गया 2015 में और 2017 में FIR दूसरा डीएफओ कर रहा है, इसलिए कि उसको पैसा नहीं दिए थे तो FIR जानबूझ के कर दिया। सारा काम हो गया, उसका अकाउंट पासवर्ड करके एजी को चला भी गया, अकाउंट पास भी हो गया। उस समय का DFO सब काम देख के काम पास किया था और दूसरा DFO आया उस 2 साल के बाद FIR कर। वृक्षारोपण का काम था क्या? हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम है ना, वृक्षारोपण का। क्या नाम हुआ आपका? नीन प्रसाद, नीन अफसर हैं। पूरे साजिश के तहत फंसाया गया। यहाँ लोग नहीं चाह रहे थे कि हिजला पूर्वी में ही रहे हैं, इसलिए प्लानिंग करके ये जो है हमको फंसाया गया। इस पूरे मामले की जांच हुई कि विभागीय स्तर पर जांच हुई? कोई विभागीय स्तर पर जांच नहीं हुई। बिना जांच किए ही, बिना आरोप प्रमाणित किए ही FIR हो गया। तो इसको लेकर आपने फिर विभागीय जो भी अधिकारी हैं उनसे बात वगैरह की थी या किसी तरह का पत्राचार किया था इस मामले में? हाँ, हम तो पूरे विभाग को लिखे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक सबको लिखे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपका स्वास्थ्य फिर कब से गिरता गया? लगभग 3 साल हो गया। क्या समस्या आने लगा आपको सर? किडनी फेलियर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।